अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। प्रीवियस हमारे कुछ टॉपिक चल रहे थे ट्रिकी क्वेश्चंस के, आज उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे और एक नया टॉपिक लॉगरिथम का हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम लॉगरिथम के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसमें जितने भी रूल्स हैं उनको भी साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो वीडियो को देखने से पहले इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तमाम स्टूडेंट जो हैं इनको देखें और इनको समझें। तो अभी हम इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से एक स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी सही है। अब लॉग बेस 10 इसकी पावर 10 है, तो ये हमारे पास 1 के ऊपर 1 की इक्वल होगा। हमेशा याद रखना, जब भी इस तरह की सिचुएशन हो, बेस और पावर सेम हो, तो हमारा आंसर 1 आएगा। अब लॉग 2 जी, बी ऑप्शन इसका रॉन्ग है। तो इसको देखें, ये हमारे पास लॉग 2 + 3, अगर हम इसको सॉल्व करें तो log 2 + log 3 बनेगा हमारे पास, यानी ये log 2 + log 3 बनेगा। ये इसमें असूल होता है, हाँ वो एडिशन सम और प्रोडक्ट का फार्मूला है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई होता तो फिर हमारे पास सेंटर में आना था वो प्लस का साइन। तो ये इस तरह जो log 2 + 3 है, ये हमारे पास ये फॉर्म बनी, तो ये ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग होगा। बाकी log 10 इसकी पावर 1 है, 1 को भी 10 बना दें, ये 1 की इक्वल। अब ये वही रूल आ गया, log 1 + log 2 log + 3, ये इस तरह शो हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन बी हमारे पास रॉन्ग होगा जी। क्वेश्चन नंबर 2, इफ log 2 इज इक्वल टू 0.3010 एंड log 3, ये दो वैल्यूज हमारे पास गिवन है। अब कहा क्या, log 5 raised to power 512, इसकी वैल्यू निकाल के दें। तो अब ये देखें कैसे निकलेगी वैल्यू। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, इसको समझ लें। log 5 raised to power 512, इसको हम लिख सकते हैं log 512 ओवर log 5 जी। अब इसे सॉल्व करें, log 5 raised to 512, इसको हमने 2 की पावर में लेके जाना, तो ये 2 raised to power 9 बनेगा। और ये जो है, ये हमारे पास रहेगा, अब 5 को चेंज करें, इसको हम लिख सकते हैं 5 multiplied 2 over 2। अब इसकी ज़रा सिंप्लीफिकेशन है, ये ज़रा देख लें। अब 9 पहले आ जाएगा, 9 log 2 ओवर में ये बन जाएगा हमारे पास log 5 2 10 over 2। अब यहाँ log प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये बनेगी हमारे पास 9 into log 2 over log 10 - log 2, ये log प्रॉपर्टी यूज़ हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 9 log 2 की वैल्यू 0.3010 ओवर log 10 1 होता है, -log 2 फिर 0.3010, ये वैल्यूज हमारे पास गिवन। अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन इसका सी बनेगा, 3.876। तो ये इसका सोल्यूशन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, log 8√8 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। log 8√8 को हम लिख सकते हैं log 8 raised to power 1/2 ओवर log 8। ऊपर log प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 1/2 पहले आ जाएगा, 1/2 into log 8 over log 8। अब ऊपर नीचे वैल्यू सेम हो चुकी हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, आंसर हमारे पास ये 1/2। तो इसका ऑप्शन सी राइट ऑप्शन होगा जी। क्वेश्चन 4 है, इफ़ log 27 इज इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ log 9। log 9 की वैल्यू, ये ज़रा टेक्निकल पोर्शन है, देखेंगे ज़रा। log 27 है हमारे पास 1.431। अब इसको ज़रा चेंज करें, ये जगह log 27 को लिख सकते हैं 3 raised to power 3 इज इक्वल टू 1.431। अब ये 3 पहले आ जाएगा, 3 log 3 इज इक्वल टू 1.431। हमें log 3 की वैल्यू चाहिए, तो log 3 इक्वल टू इधर 3 डिवाइड हो जाएगा, 1.431/3। तो यहाँ से log 3 की वैल्यू हमारे पास 0.477, इसको डिवाइड करने से ये ऑप्शन आ जाएगा। अब log 9 निकालना आसान है। अब log 9 को ज़रा देखें, अब इसमें log 3 है, इसका 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास log 9 की इक्वल आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 2 पहले आ जाएगा, तो log 9 हमारे पास इक्वल हो जाएगा log 2 पहले, इसकी
log 3। अब log 3 की वैल्यू हमारे पास नॉन है, तो 2 इंटू 0.477। अब इसे सॉल्व कर लें, 2 7 14 और 115 24819.0 0.954। जी तो ये ऑप्शन हमारे पास बनेगा सी ऑप्शन, तो ये इसका राइट आंसर होगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन 5, इफ लॉग ए ओवर बी प्लस लॉग बी ओवर ए इज इक्वल टू लॉग ए प्लस बी देन। अब इसमें से हमने देखना कि ये किस ऑप्शन के इक्वल आता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास लॉग ए ओवर बी प्लस लॉग बी ओवर ए। अब इस पे अगर हम लॉग प्रॉपर्टी लगाएं तो ये बनेगा हमारे पास लॉग ए ओवर बी मल्टीप्लाई बी ओवर ए। लॉग का रूल अप्लाई करेंगे तो ये ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास लॉग वन, और लॉग वन यानी लॉग टेन ये हमारे पास वन के इक्वल आता है। तो इट मीन लॉग ए प्लस बी चाहिए हमारे पास आ जाएगा वन के इक्वल। या इस तरह अगर नहीं लिखना, ये आ गया हमारे पास लॉग वन और ये इक्वल होगा लॉग ए प्लस बी के, तो अब लॉग से ये लॉग कैंसिल, तो ए प्लस बी जो ये इक्वल हो जाएगा वन के, तो ये ऑप्शन हमारे पास ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें ठीक होगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। इनको देखें, बार बार करें, कोई मसला आएगा तो आप इसे डिस्कशन करें। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।